यारे बेवफा माना क्या है कोना क्या है तुम क्या जानो यारे बेवफा माना क्या है कोना जी सर होल्ड करें मैं आपको अभी कनेक्ट करके देती हूँ ओके उसे ना मौका चाहिए तुझे बातें सुनाने का और ये मौका तूने उसे खुद फराहम किया है जायद क्या करता यार खालदा आंटी लेट आई थी अब अम्मी को इस तरह छोड़ के तो नहीं आ सकता था ना देख जायद तुझे आंटी के लिए ना कोई परमानेंट हल देखना पड़ेगा खालदा आंटी वक्त की पाबंदी नहीं कर सकती और ना ही तुम इस बात के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहरा सकते वो जो कुछ भी कर रही है ना इंसानियत के नाते कर रही है तो आंटी के लिए कोई मेड या कोई नर्स रख ले इसके अलावा और कोई हल नहीं है क्या बात कर रहा है यार ऐसे किसी पे कैसे भरोसा कर सकता हूँ मैं करना पड़ेगा जायद भरोसा करना पड़ेगा वरना तेरे लिए ऑफिस और घर दोनों चलाना मुश्किल हो जाएगा निवासन ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरह के मरीजों के लिए केयर टेकर रखते हैं ऐसी बहुत सी कंपनीज है जो इस तरह के लोग मुहैया करते हैं मैं भी देखता हूँ तू भी नजर रख चल देखते हैं फिर ख्याल ऐसे ही करना पड़ेगा कोई ऐसा मुश्किल काम भी नहीं है तुम्हें सिर्फ उनकी देखभाल ही तो करनी है खाना पीना और दवा तुम कहो तो मैं बात करूं मैं तुम्हें सलीम से पूछकर बताऊंगी बाद में पूछ लेना पहले मैं बात करके देखती हूँ जैद से अगर जैद राजी हो जाता है तो फिर तुम बाद में सलीम से पूछ लेना और अगर सलीम ने मना कर दिया तो वो क्यों मना करेगा तुम्हें तुम्हें कौन सा फैक्ट्री में या किसी ऑफिस में मर्दों के बीच में काम करना है तुम्हें सिर्फ एक बीमार औरत का ख्याल ही तो रखना है और देखो आमना उन्हें कोई ना कोई मिल जाए लेकिन अगर तुमने ये मौका अपने हाथ से गवाया तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी और फिर अपने हालात देखो आखिर कब तक ऐसे मांग मांग के गुजारा करोगी तुम कह तो तुम ठीक ही रही हो ठीक है फिर मैं तुम्हें कल बात करके उससे बताती हूँ जैन साहब जी वो आपसे एक बात करनी थी जी बोले हैं सब खैरियत है वो आप और जैद साहब कल बात कर रहे थे कि उनकी वालदा के लिए केयर टेकर की जरूरत है हाँ वो असल में आंटी बीमार हैं और जैद ऑफिस में होता है तो किसी को तो उनका ख्याल रखना है मेरी एक दोस्त है बेचारी बहुत मजबूर है और उसे जरूरत भी है अच्छा अच्छा तो उसे इस काम का कोई तजुर्बा है हाँ हाँ बिल्कुल है उसका खुद का शौहर बहुत बीमार रहता है पहले तो वो नौकरी करता था लेकिन अब उसे अपना घर चलाने के लिए खुद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और काम की तरफ से कोई कोताही नहीं होगी इस बात की जिम्मेदारी मैं खुद लेती हूँ चलें राजपुर तो आप एक काम करें जैद से बात कर लें उसे जरूरत भी है और अच्छा है आपके भरोसे की है तो वो भी मुतमईन हो जाएगा वो बेहतर होता अगर आप बात कर लेते जैद साहब आजकल बात बात पे चिढ़ जाते हैं चलें ठीक है मैं उससे बात करके आपको बता दूंगा नहीं नहीं कोई मसला Thank you.
यार वो जमीला है ना, उसकी जानने वाली है। देख अगर हम कंपनी से रابطہ करते हैं ना, एक तो हम जानते नहीं होंगे और ऊपर से पैसे भी ज्यादा लगेंगे। हाँ ये तो है। चल सही है, तो जमीला से कहना भी ले आए उसको, लेकिन जिम्मेदारी वाली हो। हाँ तू बेफिक्र हो जा, मैंने तसल्ली कर ली। कल सुबह 10 बजे तक पहुँचना है, हम यहाँ से 9 बजे तक निकल जाएंगे। मगर सलीम को क्या खाऊंगी? फिलहाल बोल देना की मेरी तरफ जा रहे हैं, अगर बात बन जाती है तो फिर बाद में बात कर लेना। सलीम तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, पता नहीं किस तरह उन्हें समझाऊंगी। और हालात हैं कि दिन ब दिन से बात होते जा रहे हैं। बस सब बेहतर ही होगा, खुदा ऐसे ही वसीले बनाता है। क्या पता कि आगे का रिस्क खुदा ने इसी वसीले से लिखा हो। फिर मैं भी तो चल रही हूँ ना तेरे साथ, सब अच्छा ही होगा इंशाल्लाह, तू फिक्र ना कर। इंशाल्लाह। मेरे ऑफिस जाने के बाद अम्मी के पास कोई नहीं होता। जाहिर है बहुत से काम है जो मैं नहीं कर सकता। आपको बहुत जिम्मेदारी से काम करना होगा, इसलिए कि अम्मी के मामले में मैं किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी जी आप बेफिक्र रहें, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वेरी गुड। मैं भी मिला, क्या हुआ? अब माँ बेटे के अलावा घर में कोई औरत ही नहीं रहती, मतलब कोई औरत नहीं रहती है। तो इसलिए तो उसको जरूरत है। सलीम को पता चल गया ना, कभी नहीं करने देगा ये नौकरी मुझे। तो उसे बताने की जरूरत ही क्या है?
हाँ तो सुबह 8 बजे से 6 बजे की टाइमिंग्स होंगी। संडे को भी आपको 2-3 घंटे के लिए आना होगा, छुट्टी कोई नहीं होगी। तनख्वाह में 12,000 से ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, आप सोच के मुझे बता दें। जी जी, हमें कोई एतराज नहीं है। तो ठीक है, सुबह से आ जाइए आप। जी ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, तो ये सारी पट्टियां तुझे जमीला पढ़ा रही है नौकरी की हैं? वो तो सिर्फ हमारी भलाई का सोच रही है, और तुमने ही तो मना किया था फैक्ट्री में काम करने से, तो ये तो एक बीमार औरत है, सिर्फ उसकी देखभाल करनी है बस। तेरे घर में भी एक बीमार आदमी है, उसकी देखभाल नहीं करनी तूने, उसकी क्यों करेगी? तनख्वाह नहीं मिलेगी ना, है? मैं सिर्फ तुम्हारा हाथ बटाने का सोच रही थी, और जब तुम्हें नौकरी मिल जाएगी तो मैं काम छोड़ दूंगी। जब तू बात करके आ गई तो फिर इजाजत का ड्रामा क्यों कर रही है? तनख्वाह कितनी मिलेगी? 12,000। बस 12,000? फिलहाल हमारे लिए भी बहुत है सलीम, गुजारा हो जाएगा हमारा। ये देख भाई, जो तेरा जी में आए ना वो कर, मेरी जान छोड़। एक कप चाय और दे मुझे। चाय? अभी तो आपने चाय पी है। क्या हो गया? अगर तू कमाने लग गई तो चाय के कप का हिसाब लेगी? मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि मुझे बहुत देर हो रही है। हाँ भाई, पहले दिन ही परपुरजे निकल आए। हाँ, 10-15 मिनट लेट हो जाएगी ना तो बुढ़िया मर नहीं जाएगी। चाय लेकर आ। चाय मैंने अंदर आइए।
मैंने आपको कहा था ना कि आप लेट मत होइएगा। आज पहला दिन है आपका और आप पहले दिन ही 15 मिनट लेट है। वो बस घर के कुछ। देखिए बीबी, आपके घर का कोई भी काम हो, मैं आपका लेट होना अफोर्ड नहीं कर सकता, समझिए आप। चलिए मेरे साथ, आपको मी की दवाइयां समझा। ऑलरेडी ऑफिस से मैं 15 मिनट लेट। अम्मी आमना है, मेरे ऑफिस से वापस आने तक आपका ख्याल रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये सारी दवाइयां प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी हुई हैं, ये खुदा ना खास्ता अगर बुखार हो जाए तब दें, और ये सिर्फ सुबह और रात को। एक गोली में भी दे चुका हूँ, दोबारा मत दे देना। फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए तो सारी दवाइयां मैंने प्रिस्क्रिप्शन पे लिख दी हैं, जिसको कंसल्ट कर लेना, ठीक है? और हाँ, ये मेरा नंबर है, अगर इमरजेंसी में कोई कॉल करनी पड़ जाए खुदा ना खास्ता तो कर लेना। जी अम्मी, खुदा हाफिज़। चल अम्मी की नजरों में बहुत शिकायत थी यार, मैं उनसे नजरें मिला ही नहीं पाया। जैद, उनको कुछ वक्त लगेगा यार, उनके लिए ये सब कबूल करना आसान नहीं है। एक तरफ उनकी बीमारी है और फिर इस तरह से फिजा का यूं चले जाना। सही कह रहे हैं, बीमारी से ज्यादा फिजा के इस तरह चले जाने ने उनका हौसला तोड़ दिया। अपनों के होते हुए कोई अजनबी औरत उनका ख्याल रखेगी, ये सोचने को कितनी तकलीफ पहुंची तुझे अंदाजा नहीं है। उन्होंने हमेशा रिश्तों को अपनी ताकत समझा और आज रिश्तों ने उन्हें कमजोर कर दिया। उनका सबसे मजबूत रिश्ता तू है जैद, तुझे ही उनका हौसला बढ़ाना है, उन्हें यकीन दिलाना है कि चाहे कुछ भी हो जाए तू उनके साथ खड़ा है। देख, उनके सवालात से नजर चुरा कर ना तूने और कमजोर बना देना है। ये बेहतर यह है कि उनका जवाब देकर उन्हें मुतमईन कर दिया, और वो जहां तक अजनबी के ख्याल रखने की बात है, इसमें तेरा क्या कसूर है यार? तेरे पास और कोई ऑप्शन था? तू क्यों गिल्टी फील कर रहा है? तूने जो कुछ भी किया है आंटी के भलाई के लिए किया है ना यार। आज आप सब लोगों को यहाँ बुलाने की वजह है, मैं देख रहा हूँ कि ऑल ऑफ यू आर इम्प्रूविंग, माशाल्लाह, गोइंग बेटर देन बिफोर। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, अभी बहुत काम करना है। वी हैव टू हैव सम टारगेट विच यू ऑल हैव टू अचीव एट एनी कॉस्ट, क्योंकि जितना अच्छा टारगेट होगा, जितना अच्छा अचीव करेंगे, इतना ही कंपनी ग्रो कर। आपके काम में बेहतरी आएगी ना कि डिक्लाइन। हाँ, तो ऑल ऑफ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी आर गोइंग बेटर माशाल्लाह, बेटर देन बिफोर।
तो जिस तरह आप लोगों ने पिछले 4 महीनों में 30-40 क्लाइंट्स किए हैं, मैं चाह रहा हूं कि आने वाले 4 महीनों में आप मिनिमम 100 क्लाइंट्स लाएं। इस तरह हमें और बिजनेस मिलेगा, और जब बिजनेस मिलेगा तो श्योर आई मीन ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू ग्रो। We are going better, mashallah, better than before, and we will be more better in future. So thank you very much, and keep it up. Thank you. मैं आमना बात कर रही हूँ। जी, कॉल किया था आपने? जी, वो मेरे हाथ से दवाई नहीं खा रही है। क्यों नहीं खा रही? पता नहीं। बीबी, आप किस मर्ज की दवा है? वो बीमार है, चिड़चिड़ी है, आप कोशिश करके उनको दवा खिलाएं। अब मैं तो नहीं आऊंगा ना इसको दवा खिलाने के लिए उनको। जी। देखिए माँ जी, मैं नहीं जानती आपके नासों की वजह क्या है, और ना ही इनका मदावा करना मेरे लिए मुमकिन है। मैं तो बस यहाँ आपकी खिदमत करने आई हूँ, दिल से आपका ख्याल रखने के लिए। हम दोनों का एक ताल्लुक हम दोनों की मजबूरियों से जुड़ा है। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मेरे घर का रिश्ता चलेगा, लेकिन अगर मेरे यहाँ रहने से आपको तकलीफ पहुंचती है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। Thank you.
कहाँ थी इतनी देर से? टाइम देखा तूने? रास्ते में रश बहुत था इसलिए देर हो गई। उसे खाना खा लिया था ना? कहाँ से खाता? कुछ होता तो खाता ना, बेचारा भूखा रो रो के सोया है। मगर तुझे क्या परवाह? खाना बना के तो गई थी, सिर्फ रोटियां लेकर आनी थी। कौन लेके आता रोटियां? मेरी तबीयत का तुझे पता ना कितनी खराब है। आइंदा थोड़े से पैसे रख के जाया कर, अगर तू आराम से आए तो हम भूखे तो ना मरे। पैसे तो मेरे पास नहीं है। तो एडवांस ले ले। एडवांस? पता नहीं वो देंगे भी कि नहीं। क्यों नहीं देंगे? उधार थोड़ी मांग रहे हैं, अपनी तनख्वाह में से ही मांग रहे हैं। ठीक है। रोटी बना जल्दी। ये नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जो लोग जाने का फैसला कर चुके होते हैं ना, उन्हें आंसुओं से रुकते हैं ना इल्तिजाओं से। मैं एक ऐसी जंग में था जहां दोनों तरफ रिश्ते ही थे। एक तरफ का होने में दूसरी तरफ के रिश्ते को खो देना ही लिखा था। लेकिन मुझे फैसला करने में जरा सी भी मुश्किल नहीं है, और ना ही मुझे अपने फैसले पे अफसोस है, इसलिए कि मेरे लिए जिंदगी में आपसे बढ़कर ना पहले कोई था और ना आइंदा कोई होगा। और हम तो हमेशा से एक दूसरे की ताकत रहे ना, नहीं तो डर कैसा? ये वक्त भी गुजर ही जाएगा, बस थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी। सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता सलीम की तबीयत ने सब कुछ बिगाड़ दिया। हमारा घर बिक गया, सारे के सारे पैसे खत्म हो गए, इसीलिए तो मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा। बस अब अपनी जिंदगी से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि उमर पढ़ लिख जाए। उमर मेरा बेटा, 5 साल का है वो। कुछ चाहिए आपको? पानी? टीवी देखना है, ऑन कर दूं? वहां कुछ है? ओके।
ये आपका पोता है ना, समीरा ने मुझे कुछ कुछ बताया था इसके बारे में। ये लोग कहीं बाहर चले गए। मैं जानती हूँ आप इन्हें बहुत याद करती होंगी। अगर आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, ये लोग बहुत जल्द आपके पास वापस आ जाएंगे, क्योंकि अपनों से ज्यादा दिन दूर नहीं रहा जा सकता। आप गई नहीं अभी तक? जी वो मैं बस चाह रही हूँ आप दरवाजा बंद कर लें। क्या हुआ, आप कुछ कहना चाह रही हैं? अगर कुछ पैसे एडवांस में मिल जाते तो फिलहाल इतना ही दे सकता हूँ मैं। लीजिए। शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम। ये गलत दवा दे रही हैं आप, ये सुबह देने की दवाई, समझ में नहीं आता तो ये पर्चा देख लिया करें। मैंने सुबह भी दवाई दी। ये सुबह है आपकी, एक तो गलती करती हैं ऊपर से बहस करती हैं आप। ये क्या कर रही हैं? हाथ में रखने से दवा खराब हो जाती है, समझ में नहीं आता आपको? मैं देता हूं, रहने दें आप। Fuck।